मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का काम पूरा हो गया है और जो 107 सीटें थी उनको बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है, तो वो संसद में विधेयक सरकार पेश करेगी। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा और उसमें नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब इसमें सरकार ने एक और काम किया है कि जो POK हैं उनके लोगों के लिए आरक्षण कर दिया है, यानी जो कश्मीर है के जो दो हिस्से हैं, एक हमारे पास है और एक 1947-48 में जब पाकिस्तान ने चालाकी करके और गुरिल्ला वॉर करके POK ले लिया था, तो POK अभी पाकिस्तान के पास है। वहाँ से जो माइग्रेंट जम्मू कश्मीर लौटे हैं उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी है, उनके लिए दो सीटें रिजर्व होंगी। और जैसे आपको पता है कि जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए थे तो एंग्लो इंडियन के लिए हमारे लोकसभा में दो सीटें रिजर्व थी और उसके अलावा अनेक विधानसभाओं में दो दो सीटें, एक ही या दो, किसी में एक किसी में दो सीटें रिजर्व थी, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, मणिपुर हो, इनमें एक एक सीट या कहीं कहीं दो दो सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी। तो अभी 2019 में मोदी सरकार ने एक अमेंडमेंट करके उसको हटा दिया, कहा कि एंग्लो इंडियन या हिंदुस्तान में है नहीं तो रिजर्वेशन क्यों करें। तो अब जो कश्मीर के माइग्रेंट हैं, जो POK के माइग्रेंट हैं, वो आपके जो कश्मीर आ गए हैं यानी हमारे हिंदुस्तानी कश्मीर में आ गए हैं उनके लिए रिजर्वेशन होगा। और जो 160 से अभी जो वहाँ 107 सीटें हैं, चूँकि डिलिमिटेशन हुआ और कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया है, तो जो लद्दाख की सीटें हैं वो तो अलग हैं क्योंकि लद्दाख में तो UT है, वहाँ चुनाव नहीं होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर अभी UT है लेकिन वहाँ विधानसभा है, और जब वहाँ विधानसभा बन जाएगी तो ये भी हो सकता है, जैसे सरकार ने कमिटमेंट किया कि हम उसको वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं भी मिले तो भी वहाँ विधानसभा रहेगी और उसके लिए चुनाव होगा। और चुनाव कब होगा? पहले डिलिमिटेशन होने का काम था वो पूरा हो गया और अब संसद में उस डिलिमिटेशन को जहाँ 107 सीटें हैं उनको बढ़ाकर 114 की जा रही हैं और उसमें दो अमेंडमेंट की जा रहे हैं। जो उसका जम्मू कश्मीर पुनर्वास विधेयक है उसमें एक तो सेक्शन 14 है और उसमें एक सेक्शन 15 है, 15A और 15B। तो जो 15A है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी गई है कि उसमें दो मेंबर, वन ऑफ होम शैल बी वुमन फ्रॉम द कमिटी ऑफ द कश्मीर माइग्रेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो होंगे इसमें एक महिला के लिए उन्होंने कर दिया। और जो 15 सेक्शन 15 है उसमें उन्होंने लिख दिया है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर होगी कि जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की उसमें एक नॉमिनेट मेंबर जो है डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का होगा। तो ये तीन रिजर्वेशन सरकार ने की है, एक तो दो वो लोग हैं जो कश्मीर में ही माइग्रेंट है, तो ये वो कश्मीरी बेसिकली कश्मीरी पंडित हैं जो माइग्रेंट हो गए हैं, उनके लिए दो सीटें होगी, इसमें एक महिला होगी और एक सीट जो है POK से होगी, जो POK के लोग माइग्रेंट होंगे कश्मीर में है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा डिसीज़न है और इस डिसीज़न से कश्मीरियों को कम से कम कुछ लाभ होगा और एक भावना भी होगी कि हमारा वहाँ कश्मीर में POK में का जो है वो भारतीय है, भारत का ही। तो मित्रों अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।